सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और किसानों को सरकार की तरफ से पराली ना जलाने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बावजूद इसके अंबाला में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। धान की फसल लगभग कट चुकी है, लेकिन फिर भी जो धान के बचे हुए अवशेष हैं, अब उनको भी किसान जला रहे हैं, जिसकी वजह से अंबाला की हवा भी जहरीली हो गई है। अंबाला एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि पिछले चार वर्षों में जितने चालान कटे उतने इस एक सीजन में काटे गए हैं। जो चालान किए गए हैं उनसे लगभग 3 लाख से ज्यादा रुपए वसूले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोग पराली ना जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग की टीम लगातार फील्ड में घूम रही है। पराली को लेके हमारा लगभग 95% एरिया हार्वेस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ 5% एरिया बचा है जो अंबाला फर्स्ट ब्लॉक में ही है और यहाँ मोस्टली बासमती किसान लगाते हैं और हाथ से कटाई चल रही है। अभी तक हमारे 165 जगह पे लोकेशन आई थी हरसक से, जो हमने वेरीफाई की है। उसके अलावा 3,15,000 रुपये किसानों पर फाइन इम्पोज किया है और 2 FIR भी हुई है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आगे आगजनी ना हो। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने VC ली थी तो उसमें भी हमने अश्योर किया कि हम आगे इन केसेस को नहीं बढ़ने देंगे। रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोकने के लिए हमारी कृषि विभाग की टीम लगातार फील्ड में है। पिछले 15 दिनों से प्रशासन का पूरा सहयोग मिला हुआ है। अब जो हमने शिफ्टिंग कर दी, क्योंकि अंबाला फर्स्ट ब्लॉक ही बचा हुआ है, तो दूसरे स्टाफ की भी शिफ्टिंग हमने यहाँ कर दी। वो लगातार 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फील्ड में है सारा स्टाफ। कोई भी छुट्टी, पीछे भी त्यौहार रहे तो कोई छुट्टी पे नहीं था, सभी फील्ड में थे। और उसी के परिणाम है कि पिछली बार से हमारे यहाँ आगजनी कम हुई है और हम पिछली बार जैसे 272 थे, हम कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ सीज़न तक ये 200 से भी नीचे रहे आंकड़ा। लेकिन जो चलान अमाउंट है वो पिछले 4 सालों में मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। जी, पिछले कुछ सालों में यहाँ शायद उतना चलानिंग नहीं हुई। हरसक से जो लोकेशन आती थी पिछले साल भी काफ़ी थी उससे पिछले साल भी, लेकिन चलानिंग और FIR की प्रोसेस फर्स्ट टाइम ही हुई है। पहले कितने के रहते थे? पहले पिछले 4 साल में ही 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, जो हमारा हेड बना हुआ है इसमें कंपनसेशन चार्ज का, और इस बार इसी सीजन के 3,15,000 रुपये अभी तक आ चुके। आपको बता दें कि धान की फसल लगभग कट चुकी है, लेकिन फिर भी जो धान के बचे हुए अवशेष हैं, उनको अब भी किसान जला रहे हैं, जिसकी वजह से अंबाला की हवा भी जहरीली हो गई है। जबकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और किसानों को सरकार की तरफ से पराली ना जलाने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक ये सिलसिला रुकता है और लोगों को जहरीली होती हवा से राहत मिलती है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।